हालांकि मौसम विभाग ने 10 जून को बारिश होने की चेतावनी दी है, लेकिन पूर्व संध्या पर ही मंगलवार की शाम शहर में करीब पौन घंटा तक झमाझम बारिश हो गई। बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल निगम की घोर उदासीनता पर सवाल या निशान लगा दिए हैं। नाले जाम होने से पानी सड़कों पर बह निकला। मऊ रोड, दोबत्ती, न्यू रोड जैसे शहर के मध्य क्षेत्र में पानी ही पानी हो गया। नाली का जाम कचरा सड़क पर आ गया। प्री मानसून की इस बारिश से कुछ देर की राहत के बाद अब उमस हर एक को बेचैन ही करेगी। शहर में मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्य में घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। नागरिकों द्वारा मामला पकड़े जाने के बाद मौके पर पहुंचे इंजीनियर ने घटिया सामग्री को हटवाया। मामला न्यू रोड से पावर हाउस रोड को जोड़ने वाली शास्त्री नगर की सड़क का है। इस सड़क का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। यह कार्य मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत हुआ था। सड़क चौड़ीकरण का यह कार्य भोपाल की कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। आज शास्त्री नगर क्षेत्र के रहवासियों को पता चला कि इस सड़क चौड़ीकरण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। रहवासियों ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान को बुलवाया। कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी देखा कि घटिया सामग्री है। कांग्रेस नेता ने निर्माण एजेंसी मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों से मोबाइल पर चर्चा की। सूचना पर इंजीनियर मौके पर पहुंचे। इंजीनियर द्वारा सामग्री चेक किए जाने पर मुर्रम घटिया स्तर की निकली। मुर्रम में मिट्टी ही मिट्टी मिली हुई थी। इंजीनियर ने तत्काल उक्त मुर्रम को हटाने को कहा। इंजीनियर के निर्देश पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों ने उक्त मुर्रम हटवाई। शहर में मिनी स्मार्ट सिटी के तहत 25 करोड़ रुपए के विभिन्न काम होना है, लेकिन काम करने वाले ठेकेदार द्वारा इस तरह से घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण कार्य किया गया तो स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले निर्माण कार्य कितने दिन टिकेंगे, यह सवाल खड़ा हो गया है। आज ये शास्त्री नगर में जो निर्माण कार्य आर्यव्रत कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, और इस कंस्ट्रक्शन में अभी आज हमने PIU के ठेकेदार और PIU के इंजीनियर श्री खंडेलवाल जी को बुलाकर क्षेत्रीय नागरिकों के साथ में इसका अवलोकन करा। इसमें हमने ये पाया है कि जो गिट्टी माल जो डलना चाहिए वो उस लेवल की माल नहीं है, और बिना रोलिंग करे और बिना वाटरिंग करे इन्होंने सीधे सीधे माल डाल दिया है, जो कि सरासर कार्य में लापरवाही है। अभी ठेकेदार के तरफ से रामचंद्र जी जो इनके इंजीनियर हैं उनको अभी हमने अवगत कराया और खंडेलवाल जी को अवगत कराया। उन्होंने तत्काल तुरंत कार्रवाई में लेते हुए मटेरियल पूरा निकाल रहे हैं। हम ये रतलाम की जनता इस प्रकार के बाहर के ठेकेदार से इस प्रकार की लापरवाही काम बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये जनता का पैसा है, सरकार किसी की भी हो जनता का पैसा है, और इस जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। शास्त्री नगरवासी इसका पूर्ण जोर विरोध करते हैं, और अच्छा ही कार्य करेंगे तो कार्य करने दिया जाएगा, नहीं तो आगे काम करने दिया जाएगा। लॉकडाउन से थमे कारोबार के कारण हर एक की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। सरकार राहत देने की बातें जरूर करती है, लेकिन प्रशासन वसूली कर आम नागरिकों पर आर्थिक मार ही दे रहा है। तमाम विरोध के बाद भी नगर निगम ने जलकर में पेलेंटी वसूलना फिर शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने गत दिनों पेलेंटी का विरोध कर इसे स्थगित करने की मांग की थी, जिसे नगर निगम ने खारिज कर वसूली फिर शुरू कर दी है। शहर के जल उपभोक्ताओं ने पेलेंटी का विरोध किया है। जल शुल्क भरने वाले नागरिकों के सामने राशि भरना भी जटिल होता जा रहा है। निगम ने उपभोक्ताओं के लिए टैंक पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है, एक छोटा सा टेंट दिखाने के लिए लगाया है। नागरिकों को प्यासे धूप में घंटों इंतजार करना पड़ता है। जलकर भरने जाने वालों की संख्या अधिक होने से यहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे नियमों की भी सरेआम धज्जियां उड़ गई हैं। निगम द्वारा सुविधाएं नहीं देने और पेलेंटी वसूली से आक्रोशित नागरिकों के बीच विवाद होना भी आम बात हो गई है। जलकर वसूली पर जल उपभोक्ताओं ने एन टाइम्स को बताया। मैं यहाँ नल का बिल भरने आया हूँ, और दो महीने का बाकी है। पेलेंटर ली जा रही है जो कि नाजायज है। अच्छा, दो महीने का बाकी है बिल। हाँ, तो वो जो बंद था तो बाकी था ही, वो लॉकडाउन में भरा ही उन्होंने। वो पेलेंटरी जो है वो नाजायज लगती है हमको बस। और अभी आप सुबह कितने बजे से लाइन में खड़े हुए हैं? मैं सुबह लगभग 9 बजे से खड़ा हूँ, 9:30 बजे हो, 10 बजे खड़ा हूँ। 10 बजे से खड़े हैं। यहाँ इतनी भीड़ लग रही है, ना तो सोशल डिस्टेंस का कोई पालन किया जा रहा है, ना कोई डिस्टेंस ये लोग ही नहीं कर रहे, क्या करें हम।
ये व्यवस्था इन लोगों को नगर निगम को करानी चाहिए। धूप की वजह से डिस्टेंस भी नहीं रख पा रहे हैं, धूप कितनी खतरनाक है, बाहर देखो आप खड़े रह सकते नहीं। या तो ये सभी डायरी रख ले, पैसा ले ले और आदमी भेज दे हमारे पास, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर चाहे तो हमारा पैसा हथवा ले ले, डायरी रख ले, हम लेके चले जाएंगे यहाँ से, कल आके ले लेंगे, परसों आके ले लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। क्या समस्या आ रही है दादा आपको? महिला और वरिष्ठ नागरिकों की लाइन अलग बनना चाहिए, उनको सुविधा रहे। अच्छा, तो अभी आप कब से खड़े हैं लाइन में? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से खड़े। अब वरिष्ठ नागरिक भी इसी में है, महिला भी इसी लाइन में है, हम भी इस लाइन में, अलग अलग बन जाए, सबको सुविधा हो जाए। क्या नाम आपका दादा? मुकेश पांचाल। रेलवे स्टेशन पर आने वाले हर यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ साथ लगेज भी सैनिटाइज होगा। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद रेलवे ने स्टेशन परिसर की सुरक्षा भी सख्त कर दी है। स्पेशल ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के मेडिकल चेकअप के साथ साथ अब लगेज का भी सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाले एंट्री गेट पर सैनिटाइजिंग टनल बना दी है। यात्रियों के एंट्री पॉइंट पर लगाई गई सैनिटाइज टनल रतलाम के डीएल शेड में इंजीनियर ने बनाई है। यह स्टेशनों पर लगी स्कैनर मशीन की तरह ही काम करती है। यात्री प्रवेश के पहले सामान इस पर रखते हैं, घूमने वाले बेल्ट के साथ आगे बढ़ता जाता है। इस दौरान टनल में लगे फुंवारों से केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिससे लगे सैनिटाइज हो जाता है। सड़क बनाने की दीनदयाल नगर में ठेकेदार ने खुदाई करते समय पाइपलाइन फोड़ दी थी। पाइपलाइन फूटने के बाद जब जल वितरण व्यवस्था बिगड़ी तो ठेकेदार ने घटिया किस्म के पाइप डाल दिए। ठेकेदार ने कुछ नल कनेक्शन जोड़े तो कुछ छोड़ दिए। पाइपलाइन से कनेक्शन जोड़ने के लिए स्वयं नागरिकों को अपने हाथों से काम करना पड़ रहा है। ठेकेदार के कारण पैदा हुई समस्या से जनता त्रस्त है। क्षेत्रीय रहवासियों ने मीडिया को बताया, दूसरी चक्कर पाइप फोड़ दे, अब फोड़े नहीं, नगर निगम वाले ने सबको देने पड़ेंगे पाइप दूसरी चक्कर। और फोरवाल को बोला था, गुंडा बोला कहाँ डलवाएंगे, तो अभी तक कोई पाइप डले ना, कोई भी नहीं हुआ। प्लास्टिक के पाइप की जगह कड़क पाइप डाल दिया, सड़क बनेगी तो ही टूट जाएगा, तो फिर कौन नल कनेक्शन करके देगा हमें? केदार मतलब सप्पा धोखाधड़ी कर रहा है, और इसने जो पाइपलाइन तोड़ी है उसकी जगह प्लास्टिक की पाइपलाइन डाल रहा है, बोला नगर पालिका का काम है। जी हमने जो प्लास्टिक की पाइपलाइन डाली है, हाँ। ये 1 से 2 बार में टूट जाएगी, आज ही लीकेजिंग हो चुकी है। और हम तुम्हारे नाम की कंप्लेंट, और हमने बोला था हमारे नाम की कंप्लेंट डाल रहा है, इस तरह शिकायत हो रही है कि यहाँ पे सब परेशान हो रहा है पानी के लिए। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस के कठिन समय में सदैव आगे रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस में सेवा दल कार्यकर्ता हमेशा प्रशंसा के पात्र रहे हैं। यह बात नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष महन कटारिया ने महिला सेवा दल शहर इकाई द्वारा आयोजित अपने सम्मान समारोह में सम्मान के प्रत्युत्तर में कही। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित इस समारोह में महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यास्मीन सेरानी, सेवा दल प्रदेश सचिव रजनीकांत व्यास, शहर सेवा दल अध्यक्ष महित मिश्रा विशेष रूप से मौजूद थे। प्रारंभ में शहर कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष महन कटारिया ने मां सरस्वती के चित्र का पूजन कर माल्यार्पण किया। महिला कांग्रेस सेवा दल शहर अध्यक्ष संगीता काकरिया ने नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष महन कटारिया एवं इंटक अध्यक्ष मनोज पांडे का सम्मान किया। कार्यक्रम में महिला सेवा दल कार्यकर्ता उषा पथरोड़, दीपा मीना, पुष्पा आदि ने भी शहर कांग्रेस अध्यक्ष महन कटारिया का सम्मान किया। कार्यक्रम में महिला सेवा दल कार्यकर्ता कमला गोमे सहित धर्मेंद्र शर्मा, रवि वर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्थगित की गई कक्षा 12वीं की परीक्षा मंगलवार से फिर शुरू की गई। लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई परीक्षा 2 शिफ्टों में ली गई। जिले के बाहर से आए हुए परीक्षार्थियों ने भी रतलाम में परीक्षा दी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले परीक्षार्थियों का थर्मल स्कैनिंग की गई, वहीं सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए गए और मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। सुबह केमिस्ट्री तथा दोपहर को भूगोल का प्रश्न पत्र लिया गया। जिले के 66 केंद्रों पर शुरू हुई परीक्षा 16 जून तक चलेगी। परीक्षा में 13,663 परीक्षार्थी शामिल हुए।
परीक्षा प्रभारी नीरू वर्मा ने मीडिया को बताया। बोर्ड के निर्देश के अनुसार दो शिफ्टों में आज एग्जाम थी, 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 एग्जाम है। उनको 1 घंटा पहले आने के निर्देश थे, 8 बजे से पहले बच्चे आ गए थे और उनको सोशल डिस्टेंसिंग गोलों के माध्यम से लगभग मिनिमम दूरी पर उन लोगों को दूर रखते हुए उनके थर्मल, पहले उनको सैनिटाइज किया गया, फिर उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई, उसके बाद में उनको परीक्षा भवन में प्रवेश दिया गया।